आइडोफर्म रिएक्शन। ये आइडोफर्म रिएक्शन होता है क्या? ये आपका एसिटाल्डिहाइड मिथाइल कीटोन, मिथाइल कीटोन CH3, ये आपका मिथाइल कीटोन ग्रुप रिएक्ट विथ आयोडीन, इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, एट कोल्ड कंडीशन गिव्स ए येलो सॉलिड इज कॉल्ड आइडोफॉर्म रिएक्शन। आइडोफॉर्म रिएक्शन दैट्स वेयर द रिएक्शन विल बी, ये आपका मिथाइल एक कप एसिटाल्डिहाइड, आप उसमें आयोडीन से के साथ रिएक्शन कराइए इन प्रेजेंस ऑफ येलो NaOH कोल्ड कंडीशन, कोल्ड फर्टिल द प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट विल बी CH3, दैट इज आइडोफॉर्म, इस इज आइडोफॉर्म प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, इस इज द प्रोडक्ट। एंड इन दिस वीडियो विल डिस्कस द मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन इट। द मैकेनिज्म इज कैरियड थ्रू वेरियस स्टेप्स, फर्स्ट इनिशियल स्टेज दैट मीन्स द आयोडीन एंड NaOH विल रिएक्ट विथ ईच अदर, ये आपका आयोडीन ये NaOH है, इट विल रिएक्ट टू गिव NaOI, ये सोडियम आपका हाइपो आयोडाइड एंड दिस इज आपका सोडियम आयोडाइड प्लस वाटर, बैलेंस कर दीजिए, इसमें आप 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया बैलेंस हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा ना, ये NaOI सोडियम हाइपो आयोडाइड इट विल आयोनाइज टू गिव आयोडीन, आयोडीन प्लस दैट विल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल, NaOI विल गिव NaO माइनस NaO माइनस प्लस आई प्लस, इट विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अभी रिएक्शन को फिर प्रोसीड कराएंगे, कैसे प्रोसीड कराएंगे ना, हम लोग का इनिशियल जो मटेरियल लिए वो तो एसिटाल्डिहाइड CH2, इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करके लिखे COH प्लस OH माइनस, तो हम लोग लिए हैं ये एसिडिक हाइड्रोजन, ये इसके साथ अटैक करेगा और ये हो गया आपका H2 हो गया, H2 हो गया तो ये हो गया आपका CH2 माइनस, ये हो गया CO, ये हो गया आपका H, यही तो रिएक्शन है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे ना, ये जो I प्लस इलेक्ट्रोफाइल उसके साथ रिएक्शन करेंगे CH2 माइनस CO, ये आपका H प्लस I प्लस, जब I प्लस के साथ रिएक्शन होगा क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया CH2 आई सी ओ एच, यही नेक्स्ट स्टेप हम लोग प्रोसीड करेंगे। आपका यही है कि CH2 ये आपका आई, ये आपका हो गया COOH, उसमें फिर OH माइनस के साथ आता कराइए जब तक तो ये एसिडिक हाइड्रोजन ख़त्म नहीं हुआ है, ये एक ही चीज़ का आपको करना है, जब तक ये हाइड्रोजन आयन इधर एसिडिक हाइड्रोजन ख़त्म नहीं हुआ है तब तक वो ऐसे से ऐड कराइए, जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको आयोडीन प्लस के साथ इलेक्ट्रोफाइल के साथ ऐड कराइए, यही रिपीटेड स्टेज और कुछ नहीं इसमें। ये आपका हो गया क्या है ना,
ये आपका एसिडिक हाइड्रोजन के लेने के बाद ये हो गया आपका सी एच माइनस रहा, ये आयोडीन रहा सी, फिर आप आयोडीन के साथ रिएक्शन करेंगे सी एच माइनस आई सी ओ एच प्लस आयोडीन। सिंपल एंड रिपीटेड स्टेज, रिपीटेशन सेम चीज रिपीटेशन हो रहा है, पहले ओ एच माइनस के साथ फिर आई के साथ और कुछ नहीं इसमें। ये आपका हो गया सी एच, ये हो गया आई टू, ये हो गया आपका सी ओ सी ओ एच, ये फिर इसके पास भी एसिटिक हाइड्रोजन है, हम लोग ओ एच माइनस के साथ भी कराएंगे अटक प्लस ओ एच माइनस, जब तक एसिटिक हाइड्रोजन ख़त्म नहीं हुआ। अभी ये इसी से क्या करेगा, इसी आपका एच टू है इसमें, इसमें पहले तो एच टू आप लिख दीजिए प्रोडक्ट इधर, ये आपका हो जाएगा सी माइनस, ये हो गया आपका सी माइनस आई टू और सी ओ, फिर आयोडीन के साथ रिएक्शन करेगा आयोडीन प्लस के साथ सी ओ एच प्लस आई प्लस, आई प्लस होने से क्या हो जाएगा सी आई थ्री सी ओ एच, ये आपका आ गया प्रोडक्ट आ गया। नेक्स्ट स्टेप सी आई थ्री सी, ये आपका है फिर ओ एच माइनस के साथ आप अटैक करें, जब तक हो सकता है, ये इधर चला गया इधर चला गया, वो आपको हो गया ये सी आई थ्री सी ओ माइनस, ये हो गया आपका इधर आप ओ एच लगा दीजिए, ये हो गया आपका यही आपका ये है। लेकिन लेकिन ये स्टेज में आपका ये के ये होगा एक चेंजेस आएगा, क्या चेंजेस आएगा हम बता रहा हूँ, सी आई थ्री ये हो गया आपका सी ओ माइनस, ये हो गया आपका एच, ये है क्या है ना, ये लिविंग ग्रुप बन गया, ये इधर चलाएगा इधर, ये हो गया आपका सी आई थ्री माइनस, ये हो गया एच सी ओ एच, यही आपका ये हो गया। जब हो गया तो इसमें क्या है ना, ये जो ये इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है, ये ओ एच के साथ एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन होगा तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, आ जाने के बाद क्या होगा नेक्स्ट रिएक्शन, ये आपका नेक्स्ट रिएक्शन होगा सी एच आई थ्री प्लस एच सी ये ओ माइनस। आपके पास तो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए हैं और उसमें पास से आपके पास से तो सोडियम जो है ना अबंडेंटली है, इसमें आप अटैक कराइए सोडियम एन ए प्लस विल गिव टाइच यू। नेक्स्ट स्टेप सी एच आई थ्री प्लस एच सी ओ एन, यही तो फाइनल प्रोडक्ट है, आईडो करूँगा, इसमें कुछ नहीं है कि रिपीटेशन स्टेज है। आप जब तक एसिटिक हाइड्रोजन है तब तक ओ एच माइनस ग्रुप को अटैक कराइए, उसके बाद तो इलेक्ट्रोफाइल आई प्लस है अटैक कराइए, उसके बाद तो नेक्स्ट स्टेप में इसमें कंक्लूड करिए। ओके थैंक यू।